बिहार के मुजफ्फरपुर में प्यार करने की ऐसी खौफनाक सजा और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक युवक को प्यार करने की सजा के रूप में खौफनाक मौत मिली। प्रेमिका के सामने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उसका प्राइवेट पार्ट भी काट डाला गया। प्रेमिका के परिजनों ने युवक को बुलाया और इस निर्मम तरीके से युवक की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, नाराज परिजन ग्रामीणों के साथ मृतक के शव को उसकी प्रेमिका के दरवाजे पर लेकर पहुंच गए और वहीं उसकी चिता सजा दी और पूरे रीत रिवाज से दाह संस्कार कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक सौरभ राज ओडिशा में एक निजी कंपनी में काम करता था और इसी महीने 1 जुलाई को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए नौकरी से छुट्टी लेकर गाँव आया था। शुक्रवार की रात उस लड़की के परिवार वालों ने सौरभ को बुलाया, जिसे वह प्यार करता था। लड़की के सामने ही उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई और इतना ही नहीं, युवक का प्राइवेट पार्ट भी काट डाला गया। अधभरी स्थिति में उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। सौरभ के परिजनों ने आनन फानन में शहर के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया। सौरभ का शव पोस्टमार्टम के बाद जब गांव पहुंचा तो फिर से कोहराम मच गया। परिजनों के साथ ग्रामीणों ने बवाल शुरू कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया। सिटी SP राजेश कुमार ने बताया कि गाँव में पुलिस कैंप कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मृतक 1 साल पहले यहाँ से बाहर जो है सो कहीं पर काम कर रहा था, जहाँ से अपनी बहन की शादी में 7-7 को उसकी बहन की शादी थी, उसमें वो आया था। और कल जो है सो आपको दिनांक 23 तारीख के शाम में 5:30 बजे 3-4 लोग आए और कहे कि से जो है सो हमको इस लड़का से काम है, कुछ बातचीत करना है और उसको अपने मोटरसाइकिल पर ले गया। ले जाने के बाद में जब कुछ देर बिता तो ये जो है सो निकले, उसको कहाँ गया हो, जब जब चौक पर गए तो इनके साथ में जो है वो वहाँ पर प्रशांत कुमार गौरव कुमार वगैरह वगैरह जो है सो आए और बोले उससे चलिए आपसे कुछ बात करना है, इनको ले गए, मनीष कुमार को, मृतक के पिता को ले गए। मृतक के पिता जब वहां पर पहुंचे उसके घर पर तो देखे एक चौकी पर जो है वो लड़का को सुलाया हुआ था और वो जो है सो चादर से ढका हुआ। वहां पर जाने के बाद भी इनके कनपट्टी पर जो है सो पिस्टल सटा दिया और बोला कि सर मैं आपके लड़का को मार लिया हूं, लेकिन आपको एक कागज पर जो है सो साइन करना है और लिखना है कि मैं आपको जीवित अवस्था में सुपुर्द कर रहा हूं। जब उसके बाद उसको जो है सो ये चाहे किसे लेकर जो है सो हॉस्पिटल आए तो हॉस्पिटल जो है सो आने उसी क्रम में वहीं का जो है सो उसी परिवार का जो लड़का, एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था प्रशांत मोटरसाइकिल चला रहा था और सुशांत कुमार जो है सो पीछे उसको गोदी में लेकर बैठ गया और लेकर फिर जो है सो आया और यहाँ पर प्रसाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया और पैसा लाने के बहाने वहां से निकल गया, जो CCTV के फुटेज में भी आ सकता है हॉस्पिटल के जी। और जो है सो वहां से निकल गया, उसके बाद ये जो है सो फिर वहां से हॉस्पिटल पहुंचे तो देखिए किस समय में वहां पर आने के बाद में हॉस्पिटल का जो है स्टाफ बोला कि तो लड़का दो घंटा पहले ही मर चुका है। उसके बाद ये रोने भी लगने फिर उसके बाद अपने घर गए और सभी अपने परिजन को बोले। फिर हम लोग जो है सो पूरे परिजन गांव के सभी लोग हम लोग जो है सो वहां पर आए और देखे कैसे जो है सो वो इमरजेंसी वार्ड के बेड पर जो है सो डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वहां पर आने के बाद में कांटी थाना प्रभारी को, ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी को हमने सूचित किया। आज सवेरे कांटी थाना के प्रकाश में आया है, एक डेड बॉडी बरामद हुआ है। अभी तक का अनुसंधान से यह बात सामने आ रही है कि प्रेम प्रसंग में यह हत्या हुई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान प्रारंभ किया गया है, आगे अनुसंधान में और बातें स्पष्ट। प्रथम दृष्टिया तक क्या मालूम चल पाया है? प्रथम दृष्टिया प्रेम प्रसंग में ही यह हत्या की गई है, अभी तक तो यही बताया गया है।
आगे और भी जांच से अनुसंधान से कुछ बातें और सामने आ सकती है। प्राइवेट पार्ट काटने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, चल रहा होगा, और उसके बाद ही और भी बातें समझ में आएगी क्या क्या किस तरह की इंजुरी उनके बॉडी पर है। FIR प्राथमिकी ही नामजद हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर पुलिस अपना काम कर रही है।